नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआ में निर्दलीय प्रत्याशी ने घोषणा पत्र जारी किया। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों का खाका तैयार कर निर्दलीय पवन चौहान ने अपना चुनावी संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने 29 बिंदुओं पर अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बिंदु खता को राजस्व गाँव बनाना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लालकुआ नगर पंचायत का सीमा विस्तार एवं लालकुआ वासियों को मालिकाना हक गोलापार में सर्वांगीण विकास कार्य को अंजाम दिया जाएगा और चोर गलिया में भी खेल का मैदान, शेरनाला बरोवर ब्रिज और विजयपुर में भी पुल बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि सभी 29 बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। नैनीताल से संजीव सिंह की रिपोर्ट। ये हमने बहुत सोच समझकर मैनिफेस्टो पर काम किया है। हमारी पूरी टीम लगी थी। हमारी पूरी टीम ने हमारे कुलदीप जोशी जी आदरणीय, राणा जी आदरणीय, हमारे भूपेंद्र मेहरा जी, कनवाल जी, सब लोगों ने मिलकर के इसमें, नरेश चौधरी जी ने, सब ने मिलकर के इसको तैयार किया है। और मैनिफेस्टो में हमने विशेष ध्यान रखा कि इस विधानसभा का, जब हमने वायदा किया कि हम इसका विधानसभा को मॉडल विधानसभा बनाएंगे, तो उसी आधार पर मैनिफेस्टो हमने जारी किया है। हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। अहम मुद्दे यहाँ आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिंदुगत राजस्व को लेकर, ये अहम मुद्दे हैं। इसको किस प्रकार से, ये हमारी प्राथमिकता में है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों के खेल के लिए हमने वायदा किया, हम दो स्टेडियम जरूर हर हाल में बनवाएंगे। लालकुआ का बाईपास हम बनवाएंगे। हमने सीमा विस्तार की बात की है नगर पालिका की। हमने राजस्व गाँव के लिए बिंदु खत्ता को लेकर के मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात की है। हमने शेरनाला पुल बनाने की बात की है। हमने हाथियों का जो नुकसान किसानों को हो रहा है उसको रोकने का हमने सारी वायदे किए हैं, जिनको हम पूरा करेंगे। हर व्यक्तिगत संबंध कोई बात नहीं, यह जनता जनार्दन, ये महान जनता, महान हमारे मतदाता, वो सब जानते हैं कि इस इन 10 दिनों में 15 दिनों में शराब की जो नदियां बहाई जा रही हैं, मुर्गे के लखलाए जा रहे हैं, जो पैसे बांटे जा रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। इनको प्रशासन को रोकना चाहिए। फिर भी अगर कोई चल रहा है तो मैंने विनती की है सबसे कि ये पैसा आप सबका है, लें, खाएं पिए और अब वोट कप प्लेट पर 10 नंबर पर लगाएं। आप जीत गए, यहाँ की जनता जीत गई, महान जनता जीत गई। स्थानीय वर्सेस बाहरी भी मुद्दा अभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी, मैं यहाँ सबके बीच में 25 सालों से काम कर रहा हूँ। अब कोई हल्द्वानी रहता है, कोई कहीं रहता है, तो जनता सब जानती है। और कौन व्यक्ति आसानी से मिलेगा ये भी जनता जानती है। कौन व्यक्ति काम कर रहा है, कौन व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल खोल रखता है, ये सब जानती है। इसलिए पवन चौहान को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं यहाँ के महान मतदाता। मेरी टक्कर अभी तक जो मेरे को लग रहा है, अभी तक तो बहुत टक्कर थी, लेकिन अब बहुत लग नहीं रहा है मेरे को। हरीश रावत जी से मेरी टक्कर होगी और मेरा सौभाग्य होगा। इस महान जनता का आशीर्वाद से हम माननीय हरीश रावत जी को हराने जा रहे हैं।